तो हेलो गाइज, यार कैसे हो आप लोग। सो गाइज, क्या आप लोग जानते हो कि नोबिता फ्लोर यानी कि जमीन पे क्यों सोता है? और क्या आप लोगों को पता है कि सिंचन की पापा की लाइफ में सिंचन की मॉम से पहले भी एक लड़की थी? आखिर वो कौन थी? और बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली हैं इस वीडियो में। और गाइज, जब ये आज के दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यानी कि 3 सितंबर को है डोरेमोन का बर्थडे। और गाइज, इसीलिए यार ये आज का दिन हम सभी डोरेमोन फैंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि गाइज हमारे जिस दोस्त ने हमारा बचपन इतना प्यारा बनाया, इतना अच्छा बनाया, आज है उसका जन्मदिन। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो एक बार भी देखने में अच्छा लगा हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार मुझे बहुत बुरा लगता है ये देखते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग चैनल देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार ऐसा मत करो। और यार आज डोरेमोन का बर्थडे है, इसलिए आप लोग को एक लाइक एम भी पूरा करना होगा, जो कि है 10K यानी कि 10,000 लाइक्स का। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा कमाल की डोरेमोन बर्थडे स्पेशल वीडियो को स्टार्ट। तो बात करें फैक्ट नंबर 1 की, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने डोरेमोन के शहर को डोरेमोन की सीरीज में बहुत बार देखा होगा, पर क्या आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा है? तो यार तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, डोरेमोन के रियल लाइफ में भी एक सिटी है। तो गाइस, जैसा कि यार आप लोग ये इमेजेस देख रहे हो, यह है डोरेमोन की सिटी की। और इसको बोलते हैं हम लोग ताकाओ का सिटी। अब गाइज, ये डोरेमोन की रियल लाइफ सिटी आखिर आ कहां से गई? तो गाइज, डोरेमोन के शहर में आप लोग जितने भी सब कुछ देखते थे डोरेमोन सीरीज के अंदर, तो यार वो सब कुछ यहीं से इंस्पायर्ड था, क्योंकि यार डोरेमोन के राइटर फुजिको एफ फुजियो का बचपन यहीं से बीता था। इसी के साथ मेरे सिंचन फैंस के लिए भी यहां पर बहुत कुछ है, जैसे कि यार सिंचन की रियल लाइफ सिटी यानी कि कासुकाबे साइतामा सिटी, ये भी जापान में प्रेजेंट है। और रियल लाइफ में सिंचन के राइटर यहाँ पर रहते थे यानी कि कासुकाबे साइतामा सिटी में। सो गाइस, चलो यार बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। तो यार तुम में से बहुत सारे लोग सिंचन के डैड को तो जानते होगे और सिंचन की मॉम को भी जानते होगे। तो यार क्या तुम लोगों को पता है कि सिंचन के डैड की लाइफ में सिंचन के मॉम से पहले भी एक लड़की थी? तो यार बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम लोग। तो गाइस, जो ये लड़की थी वो सिंचन के डैड के साथ सिंचन के डैड के गाँव में थी, और इस चीज के बारे में हमें पता चलता है सिंचन की मूवी एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में। यार तुम लोग कभी ना कभी तो ये जरूर सोचते होगे कि आखिर यार नोबिता इतना बुद्धू क्यों है, नोबिता आखिर इतना कमजोर क्यों है और उसको इतना कमजोर क्यों दिखाया गया है। मतलब गाइस, दिमाग में ये बात आती है कि अगर ये सीरीज का हीरो है डोरेमोन सीरीज का, फिर भी इसको इतना कमजोर क्यों दिखाया गया है। असल में यार नोबिता के कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए जो रोल मॉडल चूज करा गया था वो भी बिल्कुल ही नोबिता की तरह था। फिर गाइस तुम लोग सोचोगे कि यार आखिर वो रोल मॉडल कौन है? यार वो रोल मॉडल है खुद फुजिको एफ फुजियो। यार फुजिको एफ फुजियो बिल्कुल अपने बचपन में नोबिता की तरह थे, वो पढ़ने में कमजोर थे, खेल कूद में अच्छे नहीं थे, उनसे ताकतवर बच्चे उनको परेशान करते थे, पर गाइस आगे जाके उन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे, यार आज उनके देश के बाहर हम लोग भी उनको जानते हैं और उन्हीं के रोल मॉडल पे बनाया गया है नोबिता का करेक्टर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यार ये आप साउंड सुनो और बताओ कि ये आप लोगों ने पहले कहां सुना है। तो गाइस आप लोगों ने ये साउंड सुना होगा नोबिता के स्कूल में। तो हाँ यार, जापान में हर एक स्कूल की जो बेल होती है वो ऐसी ही होती है, बिल्कुल नोबिता के स्कूल जैसी। अगला फैक्ट है परमैन से। तो यार तुम में से बहुत सारे लोग सुमिरे को तो जानते ही होंगे, सुमिरे फ्रॉम परमैन। तो यार तुम्हारे दिमाग में क्या कभी ये बात आई कि आखिर सुमिरे के पेरेंट्स कौन है और कहाँ रहते हैं? तो गाइस कौन है ये तो किसी को नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि जो सुमिरे के पेरेंट्स हैं वो रहते हैं न्यूयॉर्क में यानी कि अमेरिका में। गाइस क्या तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर सुमिरे को मंथली पॉकेट मनी कितनी मिलती होगी? सो गाइस, सुमिरे को जो मंथली पॉकेट मनी मिलती है वो है 10 मिलियन येन। अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो ये होते हैं 66 लाख रुपीज, और इतना मिलता है सुमिरे होशिने को पर मंथ पॉकेट मनी। सो गाइस चलो यार अब करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की बात। तुम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो मसाओ है सिंचन सीरीज में वो आगे जाके फ्यूचर में बनना चाहता है एक मांगा आर्टिस्ट, और मसाओ का जो आइडल है वो है ओसुतो योशी। तुम में से बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत बार सीरीज के अंदर तो देखा ही होगा। तो गाइस फैक्ट ये है कि यार ये कोई और नहीं, ये असल में सिंचन के राइटर का ही सिंचन की सीरीज के अंदर अडेप्टेशन है। अब जैसे कि तुम लोग जानते हो कि सिंचन के राइटर का नाम है योशितो ओशोई और इसका नाम है ओसुतो योशी। तो गाइज ये फैक्ट तुम्हें पता था या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइज तुम में से बहुत सारे लोग टाइम पेट्रोल को तो जानते होंगे, वही टाइम पेट्रोल जो डोरेमोन की सीरीज या फिर मूवी में कई बार दिखते हैं और जो टाइम के साथ छेड़खानी करता है उनको पकड़ते हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते थे
किया डोरेमोन की तरह टाइम पेट्रोल भी 22nd सेंचुरी या फिर 22वीं सदी से ही होगी। पर गाइस नहीं, हम गलत सोच रहे थे, टाइम पेट्रोल 22वीं सदी से नहीं 24th यानी कि 24वीं सदी से है। तो यार तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो टाइम पेट्रोल है वो 24th सेंचुरी से है। मतलब गाइस डोरेमोन के पैदा होने के भी 200 साल बाद ही है टाइम पेट्रोल। गाइस चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, और ये फैक्ट होने वाला है शिनचैन के बारे में। यार आप में से बहुत सारे लोग खुद ही जानते हो कि शिनचैन आखिर कैसा लड़का है जिसको यार दीदियों में काफी इंटरेस्ट है। शिनचैन के लक्षण ऐसे होंगे, इसका पता शिनचैन के मॉम एंड डैड को पहले ही लग गया था जब वो पैदा हुआ था तभी, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तभी वो एक नर्स को देख के जो कि काफी खूबसूरत थी उसको देख के हंसने लग गया था। तो यार बहुत सारे लोग ये बात बोलते कि शिनचैन इतना छोटा है फिर भी इतनी बड़ू वाली हरकतें करता है। वही शिनचैन उससे भी छोटा था तब से वो ये हरकतें करते हुए आ रहा है, जब शिनचैन पैदा हुआ था तब से ही वो ये सारी हरकतें करता हुआ आ रहा है। गाइस चलो यार बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। तुम में से बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे कि आखिर जो नोबिता है वो जमीन पे क्यों सोता है, क्योंकि गाइस जापान में ये चीज बहुत सालों से चली आ रही है कि यार वहाँ के लोग जमीन पे सोने को अच्छा मानते हैं। और वो लोग ये मानते हैं कि जमीन पे सोने से आपका बॉडी में सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छा होता है और आपकी बॉडी का पोस्चर भी सही रहता है। पर नोबिता जमीन पे नहीं सोता है, वो सोता है टटामी मैट पे। जो ये आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हो ये असल में है टटामी मैट। वैसे यार आप में से कौन कौन से लोग जमीन पे सोते हैं, क्योंकि मैं तो सोता हूँ जमीन पे। सो गाइस यहीं पर होती है हमारी वीडियो एंड। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और यार आज की वीडियो का लाइक एम है 10K लाइक्स का, यानी कि 10,000 लाइक्स का। आप लोगों को वो भी पूरा करना है, तो गाइस पूरा जरूर कर देना। सो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।